हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति और स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल मखनी, दूध वाली दाल मखनी, जो कि ना आपने पहले कभी बनाई होगी, ना देखी होगी और ना ही खाई होगी। तो देख सकते हैं हमारी जो दाल मखनी कितना लाजवाब बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरे मूँग की दाल ली है, ये साबुत मूँग है। तो इसको मैंने यहाँ पर एक कप या एक कटोरी भी आप बोल सकते हैं, और एक ग्राम में 200 ग्राम है। साथ में मैंने लिया है एक चौथाई कप राजमा, ग्राम में देखेंगे तो ये 50 ग्राम के करीब है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के हमें भिगा लेना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो इससे गर्म पानी में भिगाएं। तो देख सकते हैं जो हमारे मूंग और राजमा है अच्छे से फूल चुके हैं, मैंने इसे रात भर भिगा के रखा था। तो चलिए हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। तो इसका पानी छान लेना है और इसमें अपने मूंग और राजमा को डाल देना है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 800 ग्राम पानी ऐड किया है। ग्लास से देखेंगे तो 2 ग्लास है ये, और साथ में डाल देंगे नमक। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसे हम 4 से 5 विसल आने तक पकाएंगे। तो आप हाई फ्लेम पे 2 विसल लगाएँ और उसके बाद से मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विसल लगाएँ। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल ऐड किया है, उसमें डालेंगे दालचीनी 1 इंच, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। उसी के साथ हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, साथ में डाल देंगे तेज़पत्ता। इन सारी चीज़ों को हम कुछ सेकंड पकाएंगे, जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप मैंने प्याज 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको मैंने रफली कट कर लिया है और इसको हम भूनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। ये अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे 12 से 13 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुटी हुई, सारी चीज़ों को कूट लेंगे और उसके बाद से डाल देंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, और ये मिक्स मसाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 3 मसाले एक ही साथ मैंने पीस के रखा है। तो मैंने 2 चम्मच डाला है, आप देख सकते हैं। तो इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए जो मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर की प्योरी, यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिसे काट के मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए मसालों को भून लेते हैं, जब तक ये भूनते हैं तब तक अपने दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तभी खोलें। तो देखिए जो हमारी दाल है बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। ये दाल मखनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। तो ये जो मसाले हैं इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने नमक दाल में भी ऐड किया है। उसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे 3 बड़े चम्मच दूध की मलाई, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों के साथ हम इसे भी पकाएंगे। तो देखिए जो हमने मलाई डाली थी अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल अच्छे से मसाले हैं भून चुके हैं, और साइड साइड से ये तेल भी छोड़ दिए हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल को जो हमने पका के रखी है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दाल को हम इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद से हम ऐड करेंगे दूध। है तो ये दाल मखनी लेकिन हम बनाएंगे इसे दूध में। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 2 कटोरी दूध, अगर ग्राम में देखेंगे तो ये 500 ग्राम दूध मैंने ऐड किया है इसमें, और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसे हमें ऐसे ही 7 से 8 मिनट तक बिना ढके पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अमूल का क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारी दाल है इसे मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे हींग, यहाँ पर हींग मैंने 1/4 चम्मच ऐड किया है। उसी के साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे गरम मसाला, यहाँ पे मैंने गोल्डी का गरम मसाला लिया है। आप जिस भी ब्रांड का लें कोई भी गरम मसाला यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपके घर में अवेलेबल हो। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्रेश हरे धनिया की पत्ती डालेंगे। देखिए जो हमारी दाल मखनी है बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम हरे धनिया की पत्ती फ्रेश कटी हुई डाल देंगे, और गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दी है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद हम ऐड करेंगे बटर। बटर यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दोनों नहीं डालना चाहते तो, टोटली ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी साबुत हरे मूंग की दाल मखनी बनाई है, तो आप उस रेसिपी को भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी गर्म करके ले लिया है, उसमें डालेंगे हम 2 साबुत सूखे मिर्च, उसी के साथ ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बेहतरीन आता है फ्रेंड्स।
तो इसे हमें कुछ सेकंड पकाना है। उसके बाद से दाल में इस तड़के को ऐड कर देना है। देखिए तो मैंने इसे ऐड कर दिया फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल मखनी, और इसका कलर तो मज़ा आ जाएगा देख के आपको, बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है। देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे दाल मखनी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।